सीता सोरेन का जाना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा चुनाव आते आते झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से ताश के पत्तों के तरफ बिखर जाए और लोकसभा चुनाव 4 जून आते आते आप देख लीजिएगा ताश के पत्तों के तरह ढह जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। शिबु सोरेन जी को लिखा है, मैंने उसको पढ़ा है और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, अन्याय हो रहा था और बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। कयास तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। सीता सोरेन का जाना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा चुनाव आते आते झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से ताश के पत्तों के तरफ बिखर जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत जबरदस्त असंतोष है, अंदर अंदर असंतोष की आग है। उसको संभालना झारखंड मुक्ति मोर्चा के बस की बात नहीं है। क्या गीता कोड़ा जैसा मान सकते हैं सीता सोरेन का? नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। अब ये निर्णय सीता सोरेन को करना है कि उनकी अगली पारी क्या होगी, क्या करना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं। लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि है, 3 बार की विधायक हैं, चैन से तो बैठेंगी नहीं। तो ऑल इज वेल कहा जाता है जेबीएम में। नहीं, अब जब सीता सोरेन जी ने पत्र के माध्यम से, उनके पत्र सार्वजनिक हो गए, तो ऑल इज वेल कहाँ रहा? ऑल इज वेल कुछ भी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी टिकट की घोषणा होने दीजिए, उस समय कुछ बिखराव नजर आएंगे आपको। और लोकसभा चुनाव 4 जून आते आते आप देख लीजिएगा ताश के पत्तों के तरह ढह। शिबु सोरेन जी को लिखा है, मैंने उसको पढ़ा है और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, अन्याय हो रहा था और बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। कयास तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। सीता सोरेन का जाना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोकसभा चुनाव आते आते झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से ताश के पत्तों के तरफ बिखर जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत जबरदस्त असंतोष है, अंदर अंदर असंतोष की आग है। उसको संभालना झारखंड मुक्ति मोर्चा के बस की बात नहीं है। क्या गीता कोड़ा जैसा सकते सीता सोरेन का? नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। अब ये निर्णय सीता सोरेन को करना है कि उनकी अगली पारी क्या होगी, क्या करना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं। लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि है, 3 बार की विधायक हैं, चैन से तो बैठेंगी नहीं। तो ऑल इज वेल कहा जाता है जेबीएम में। नहीं, अब जब सीता सोरेन जी ने पत्र के माध्यम से, उनके पत्र सार्वजनिक हो गए, तो ऑल इज वेल कहाँ रहा? ऑल इज वेल कुछ भी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी टिकट की घोषणा होने दीजिए, उस समय कुछ बिखराव नजर आएंगे आपको। और लोकसभा चुनाव 4 जून आते आते आप देख लीजिएगा ताश के पत्तों के तरह ढह जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। शिबु सोरेन जी को लिखा है, मैंने उसको पढ़ा है और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, अन्याय हो रहा था और बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। कयास तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। सीता सोरेन का जाना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोकसभा चुनाव आते आते झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से ताश के पत्तों के तरफ बिखर जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत जबरदस्त असंतोष है, अंदर अंदर असंतोष की आग है। उसको संभालना झारखंड मुक्ति मोर्चा के बस की बात नहीं है। क्या गीता कोड़ा जैसा मान सकते सीता सोरेन का? नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। अब ये निर्णय सीता सोरेन को करना है कि उनकी अगली पारी क्या होगी, क्या करना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं। लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि है, 3 बार की विधायक हैं, चैन से तो बैठेंगी नहीं। तो ऑल इज वेल कहा जाता है जेबीएम में। नहीं, अब जब सीता सोरेन जी ने पत्र के माध्यम से, उनके पत्र सार्वजनिक हो गए, तो ऑल इज वेल कहाँ रहा? ऑल इज वेल कुछ भी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी टिकट की घोषणा होने दीजिए, उस समय कुछ बिखराव नजर आएंगे आपको। और लोकसभा चुनाव 4 जून आते आते आप देख लीजिएगा ताश के पत्तों के तरह ढह।